हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बोल रहा होता है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपसे, चलो मैं इसकी साउल पावर को ठीक करता हूँ पहले। तो एपिसोड नंबर 191 की स्टार्टिंग होती है। नाना धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन कर रही होती है। ज्वानी और टांग वुलिन देख रहे होते हैं। नाना बोल रही होती है कि मुझे क्या हो रहा है। ज्वानी बोल रहा होता है मोम किसी भी चीज के बारे में मत सोचो आप, जाने दो, सब कुछ पास था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नाना बोल रही होती तुमने अभी भी बोला कि हम एक टाइम पे एक दूसरे से प्यार करते थे। वुलिन कुछ नहीं बोल रहा होता, फिर कुछ टाइम के बाद बोलता है जो भी चीजें 10,000 साल पहले की हैं वो सब कुछ पास्ट है, वो हमारी हिस्ट्री है। तुम्हारी बॉडी खुद नहीं जानना चाहती, कुछ भी याद नहीं करना चाहती जो भी हुआ था पहले, तो याद मत करो, चलो आगे का देखते हैं, फ्यूचर का देखते हैं। अभी के लिए तुम मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर सकते हो, मैं काफी ज्यादा आभारी हूँ तुम्हारा मेरी जिंदगी के लिए। मैं अपनी बाकी की बची जिंदगी तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए लगा दूंगा, चाहे तुम्हें पहले की मेमोरीज आए या ना आए। मैटर ये चीज करती है कि हम फ्यूचर में साथ में हो सकते हैं। तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम मुझे चांस दोगे कि मैं तुम्हें हर दिन देख सकूं, तो उतना भी काफ़ी है मेरे लिए। नाना बोल रही होती है कि जो मेरी थॉट्स है वो थोड़ी बहुत मिक्स हो गई है, मुझे शांत होने के लिए टाइम चाहिए। वुलिन बोल रहा था ठीक है अपना टाइम लो, वो चीज़ें करो जिससे तुम्हें ठीक लगे, कम्फर्टेबल लगे। वैसे नाना बोल रही होती है कि आज सी गॉड फेट ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस है। ज्वानी बोल रहा होता है कि हाँ मदर, मैंने अभी अभी अपनी ब्लाइंड डेट ख़त्म कर ली जीजू के साथ, और हमने जो हैं वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर दी हैं। तुम्हारी अवेकनिंग इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ग्रेट थी, तुमने हमारा सीन देखा। नाना बोल रही होती है कि तुम्हें जुजू को अच्छे से ट्रीट करना है फ्यूचर में। ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं पहले सील क्यों थी और तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, ये पक्का तुम्हारे फादर की वजह से हुआ, उन्होंने मेरे को गलत तरीके से ट्रीट किया होगा। ज्वानी सोच रहा होता है ऐसे तो मैं कुछ वर्ड्स बोलना चाहता हूँ फादर की तरफ से, पर अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मदर सिक हो जाएगी और कम बोलने से भी कुछ हेल्प नहीं होगी। वैसे बोल रहा था हाँ तुम्हें याद है उस टाइम तुमने भी सी गॉड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था पहले। नाना ऐसे बोल रही होती मैं मुझे कुछ याद नहीं है, वो फिर ऐसे अकेले चले जाती है आगे। ऐसे फिर रात बीत रही होती है, जो एंकर होता है वो बोलता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जूनियर ल्यूफेंग है, प्लीज आगे आओ। फीमेल एंकर बोल रही होती है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो हमारी सी गॉड फेरी को। ल्यूफेंग बोल रहा होता है कि पहले मैं सभी सी गॉड फेरीज को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जिन्होंने लाइट्स मेरे लिए जगा के रखी हैं। मुझे स्टार्टिंग से मेरी एबिलिटीज के बारे में पता था, जो मेरा टैलेंट था वो बहुत ज्यादा कम था। जब मैं पूरी कोशिश करता था तभी मैं कुछ कर पाता था, मैं कुछ सीख पाता था। वो मेरा कैप्टन है, मेरा दोस्त जिसने हमें हमेशा हेल्प किया, उससे मैं धीरे धीरे कर पाया चीजें और ऐसे इनर कोर्ट में आज का दिन एंटर कर चुका हूँ। आज मैंने उसे और जीजू को साथ में देखा, उनका फैमिली रियूनियन भी देखा, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ उसके लिए और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। और ये बात मेरी, अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं सुटेबल नहीं हूँ एज अ बॉयफ्रेंड। कल्टीवेशन शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरी जिंदगी में। स्टार्टिंग में जब मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट की थी मैं चाहता था कि मैं किसी के पीछे ना रहूं, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं मेरी जो थिंकिंग है वो बदल रही है। बाद में मैं एक चीज समझा कि जो कल्टीवेशन है वो मेरे अकेले के लिए नहीं है पर बाकियों के लिए भी है। एटलीस्ट मैं एक यूजफुल इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अपने साथियों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं टॉप पे पहुँचना चाहता हूँ सॉल मास्टर्स के, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए मैं कुछ भी प्रोमिस नहीं कर सकता हूँ इमोशनली, एटलीस्ट इस स्टेज के ऊपर नहीं। तो प्लीज़ सी गॉड फेरीज अपने लैम्प को बुझा दो, आज का दिन मैं सिर्फ अपने साथियों के लिए आने के लिए आया था यहाँ पे, ताकि हम सारे चैलेंजेस साथ में फेस करें। जो लाइट्स होती हैं वो बुझ रही होती हैं, बट एक लड़की लाइट नहीं बुझाती है। एंकर बोल रही होती है क्या अभी भी एक सी गॉड फेरी बची हुई है जिसने लैंप बचा के रखा हुआ है जूनियर ल्यूफेंग के लिए, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में सी गॉड फेरी, क्योंकि तुम में अकेले बचे हुए हो। अगर तुम श्योर हो तो हम नेक्स्ट स्टेप्स के लिए प्रोसीड करते हैं। वो लड़की अपना जो वेल होता है उसे हटा देती है और बोल रही होती है कि मैं श्योर हूँ, वो जिंगजुआन होती है। ल्यूफेंग हैरान होकर बोल रहा होता है जिंगजुआन, मतलब वो ब्लश मार रहा होता है। हमें बताया जाता है जो लड़की ल्यूफेंग के सामने होती है वो उसी की क्लासमेट होती है, जो कि 33 स्काईविंग्स में से एक होती है, जो कि रैंक 20th पे होती है बाकी 33 में से। ऐसे तो शांत ये है लड़की, पर दिल थोड़ा सा वो है, मानता नहीं है। मतलब अगर अपेयरेंस की बात करें तो जिंगजुआन डेफिनेटली एवरेज से ऊपर की लड़की थी। एक तरीके से बताए रहे होते हैं उसके डिटेल्स के बारे में, जो एंकर होता है वो बोल रहा होता है तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जूनियर तुम स्टार्ट कर सकते हो, जिंगजुआन बोल रही होती है। मुझे लगता है कि जो खुशी है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं खुद खुद मेहनत करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई इंप्रेशन नहीं है मेरा, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया होना ऐसे, पर मैं काफी ज्यादा टेंशन पे कर रही हूँ तुम्हें 6 सालों से। इस उनके बाकी सभी ऐसे गुजार चेयर कर रहे होते हैं। क्वानली बोल रहा होता है क्या
इस इंसान को भी अटेंशन मिल रहा है एक लड़की का, ये कुछ शो ऑफ कर रहा होगा पक्का, या फिर अपनी आइडेंटिटी ऐसे बक रहा होगा कि ये वन ऑफ द सेवन शर्क के सेवन मॉन्स्टर्स है। मैं क्विन बोल रही होती है कि तुम हमेशा सोचते हो कि ये शो ऑफ करता था या फिर ऐसा वैसा। ध्यान से सुनो जिंगजवान क्या बोल रही है। जिंगजवान बोल रही होती है कि मैं एक काफी ज्यादा अनहैप्पी फैमिली में बड़ी हुई हूँ। जब मैं यंग थी तो जो मेरे फादर थे वो डिसेबल हो गए क्योंकि उनको जुए की आदत थी। हर इस टाइम मेरी मदर ही सारी कोशिश कर रही है, मतलब जितना भी मेरे को सपोर्ट था, पूरी फैमिली को सपोर्ट था, वो मेरी मदर ने किया है। मुझे भी पता कि अगर मैं नहीं होती तो मेरी मदर इतनी मेहनत करती नहीं। ऐसे तो मेरे डैड डिसेबल है, फिर वो चुपचाप ही निकल जाते थे ऐसे ही जुआ खेलने के लिए। ऐसे बकवास करते थे कि वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी मेरे और मेरे मदर के लिए आसान हो जाए। वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। पर एक इंसान सच में जुए से प्रूव कर सकता है अपने आप को? मेरे डैड हैंडसम थे जब वो यंग थे। मदर ने बताया था कि वो और फादर साथ में थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे स्टार्टिंग में, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कराता था। पर बाद में चीज़ें बदलने लग पड़ी और मेरी मदर कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। तो इसीलिए मैं बैरियर बना के रखती थी अपने आसपास भी। जब मैं पहली बार स्कूल में एंटर किया था मैंने, तो मैंने तुम्हें नोटिस किया। उस टाइम पर तुम ज़रा भी आउटस्टैंडिंग नहीं थे क्लास में, तुम हमेशा क्लास प्रेजिडेंट के साथ में रहते थे। तुम स्ट्रॉन्ग थे, ब्रेव थे और सेल्फलेस इंसान थे। तुम कम्प्लीटली मेरे फादर से डिफरेंट थे। अगर तुम मेरे साथ होगे तो फ्यूचर सही होगा। मैं हमेशा तुम्हारे एफर्ट्स को देखती रहती थी पीछे से। तुम कम बोलते थे, तुम एक्शन से अपने आप को बताते थे। बैटल के टाइम पे तुम कम्प्लीटली, जो तुम्हारा ओपोनेंट था वो तुम्हें हरा रहा था, पर तुमने गिव अप नहीं किया, तुम लड़ते रहे। उस टाइम पे तुम सिर्फ 14 या 15 साल की उम्र के थे। बाकी स्टूडेंट्स ने भी जो डिफरेंट ग्रेड्स के थे उन्होंने उस सीन को देखा था। कुछ ऐसा बोल रहे थे कि तुम पागल हो जिसकी कोई थॉट्स नहीं है, बाकियों के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान बनना चाहती हूँ। मैं भी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग, ताकि मेरा दिल जरा ना घबराए। मुझे पता तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया था क्योंकि तुम्हारी सारी ताकत तुम कल्टीवेशन पे लगाते थे, पर वो चीज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे तुम अपने आप की तरह हरकतें करते हो, उस तरीके से तुम्हारा फिगर है वो मेरे दिल में छप गया था। अगर मैं इस चांस को मिस कर दूंगी तो हम कभी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। वो फिर ऐसे बोल देते हैं कि लुफेंग मुझे तुम पसंद हो। जो एंकर होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये लड़की कुछ ज़्यादा ब्रेव है, बाकी लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि हाँ ये सिस्टर कुछ ज़्यादा ही कमाल की है। एल्डर बोल रहा होता है कि मास्टर जो सी गोट ब्लाइंड डेट है वो कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं चली हुई है। लुफेंग ऐसे चुपचाप खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है मैं क्या बोलूँ इसमें। जिंगजवान बोल रही होती है तुम्हारा आंसर क्या है? लुफेंग बोल रहा होता है मैं, जिंगजवान चुपचाप सुन रही होती है। वो बोलता है जिंगजवान शुक्रिया, मतलब वो नर्वस होती है कुछ ज़्यादा ही। तो गाइस ये एपिसोड इतना ही था, मतलब इन्होंने बीच में छोड़ दिया, पता नहीं क्यों क्लिफहैंगर पे छोड़ देते चीज़ें। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है तो मैं लाता हूँ उसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप वेट ही कर सकते हो। और क्या ही है, लाइक कर दो इस वीडियो पे, 1000 लाइक्स। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।